2 मार्च 2020 को तो हमारे पास प्रदेश में न टेस्ट की क्षमता थी, न कोई भी हमारे पास आइसोलेशन बेड था जहां पर हम कोविड पॉजिटिव का उपचार करा सकें। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की मशीनरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र और सभी संगठनों संस्थाओं के सहयोग से आज हम प्रतिदिन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश अब तक 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट संपन्न कर चुका है। प्रदेश के पास L2 L3 फैसिलिटी के 80,000 बेड्स वर्तमान में मौजूद हैं, जहां पर हम कोरोना पॉजिटिव के उपचार की सुविधा वहां पर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई है। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन 2500 सेंटर में हमारा अब तक चल रहा था। हम लोगों ने 18 प्लस को 15 मई से प्रारंभ किया था। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर एक्टिव केस और पॉजिटिविटी सर्वाधिक थी। हमने दूसरे चरण में प्रदेश के अंदर अपने सभी नगर निगमों को इसके साथ जोड़ा था और अब तीसरे चरण में हम लोग कल से नगर निगम के साथ साथ हमारी जितने भी कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से 23 जनपदों में हमारे वैक्सीनेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक जो आशंका फिर से व्यक्त की जा रही है कि गांवों में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद उनकी एक सूची बना करके IEEE इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ये सूची उपलब्ध की करवाई जाती है और कोविड कंट्रोल सेंटर से फिर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उन सभी लक्षणयुक्त और संदिग्ध जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाती है। अगर उनमें कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम और टॉयलेट है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था, नहीं है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर या हायर सेंटर में रिफर किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंसेस की 1500 से अधिक डेडिकेटेड एम्बुलेंस इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तैनात की है। इसके साथ ही हम लोगों के पास 350 हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हैं जिनका हम उपयोग इन सभी कार्यों के लिए भी इसके साथ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक या देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस है जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए,
और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा हर जनपद में ये भी व्यवस्था की गई है कि हम ये सुनिश्चित करें कि थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसका शिकार बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं, इसलिए पीडियाट्रिक का आईसीयू हर एक जनपद में, हर एक मेडिकल कॉलेज में बने, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक लड़ाई लंबे समय से लड़ा है। 2017 से 2020 के बीच में हम लोगों ने इसके मामलों में 95% मृत्यु दर को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की, इसलिए हम लोगों के पास ईस्टर्न यूपी के उन जनपदों में जो इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित थे वहां पर पहले से पीकू बने हुए हैं, पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब का वहां पे नियमित ट्रेनिंग भी चलती है। केजीएमयू को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। हमारे साथ पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं उनकी एक नई चैलेंज ब्लैक फंगस को लेकर के आई है। कल राज्य सरकार ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है और इस संबंध में एक वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, उनके जितने भी फिजिशियन और विशेषज्ञ हैं उनके साथ करके एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ब्लैक फंगस से भी हम लोग, जैसे सीएफआर अभी तक हमने प्रदेश के अंदर नियंत्रण रखा 1% के आसपास है, ब्लैक फंगस में उपचार में किस कहीं समस्या ना आने पाए, वहां पर किसी भी अन्य प्रकार की समस्या का समाधान समय से हो सके और व्यापक जागरूकता का भी कार्यक्रम चलना चाहिए। ब्लैक फंगस का कारण क्या है? ज्यादा स्टेराइड लेना, अनियंत्रित डायबिटीज होना या फिर टेस्ट कराने से भागना, ये बहुत सारे कारण इन चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब के बारे में भी कल एक विस्तृत एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की जा चुकी है और उसका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ है और उसको हर एक जनपद के साथ जोड़ करके ब्लैक फंगस के उपचार की भी व्यवस्था हर एक जनपद में हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता उपचार के लिए, हर व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति को उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। प्रशासन से स्पेशली कहा गया है ऑक्सीजन की कमी कहीं न होने पाए। ऑक्सीजन के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से आज ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर और देश के अंदर की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत हुए हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की दिशा में इस जनपद को आने वाले समय में ले जाने में सफल होगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है आप सबसे ही मेरी अपील होगी कि हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं, हम कोरोना को एक सामान्य फ्लू ना माने, इसलिए जागरूकता और लोगों के संबल मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जितना अधिक हम उनके संबल को बांधने में मदद कर सकें, हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों के लिए विगत पहली वेव से ही कहा जा रहा है कि वे संक्रमण से बचें, हर हाल में संक्रमण से बचें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो या कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वे सभी लोग घर के बाहर ना निकलें, घर में भी मास्क लगाएं, शेष अन्य लोगों को भी अगर घर के बाहर निकलना हो आवश्यक कार्य से तो ही निकलें और वह भी मास्क लगा करके 2 गज की दूरी का पालन करते हुए अगर वे इन नियमों का पालन करते हैं तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है इसमें बेहतर परिणाम आ सकते हैं। इस जागरूकता के कार्यक्रम के साथ पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए आपका भी जो सहयोग इस संबंध में मिल रहा है इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आम पब्लिक को भी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ा करके टीम भाव के साथ हम इस लड़ाई को जीतने में
और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करने में सफल।